मेरा जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो उस वीडियो देखने के बाद लोगों ने दो चीज़ें उसमें से पकड़ ली, ड्रॉप शिपिंग जो कि मैंने ई कॉमर्स स्टोर के बारे में बताया था, और दूसरा अफिलिएट मार्केटिंग। लोग पूछ रहे इसमें से बेहतर क्या है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास शायद स्किल्स नहीं हैं या हॉबी या पैशन फॉलो नहीं करते, तभी तो उन्होंने तीसरी कैटेगरी चुनी जो मैंने बताई थी, इन्वेस्टमेंट बेस्ड। सो अब देखो ऐसा है, दोनों चीज़ें अपने लेवल पे बेस्ट है। कैसे? अफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, कम रिस्क लो है, रिस्क है ही नहीं एक्चुअली, विदाउट रिस्क लो इन्वेस्टमेंट इनकम है इसमें, ठीक है। इनकम इतनी मान लो कि आप 3-4-5 लाख, इवन, और इसका तरीका है इनकम बढ़ाने का, आप मल्टीपल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपने इंटरनेशनल प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए, इनकम आपकी डॉलर्स में होगी, अब वही डॉलर जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा तो आप समझ सकते हैं आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आप 10-12-15 लाख, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू यार, अच्छा खासा कमा सकते हो। और दूसरी बात जो ड्रॉप शिपिंग को लेके, ई कॉमर्स को लेके थी, उसमें पहली चीज़ रिस्क है, आपका प्रोडक्ट बिका नहीं बिका रिस्क है बहुत बड़ा। दूसरी चीज़, इतना भी नहीं है रिस्क, घबराइए मत, क्योंकि लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा बस। दूसरा जो था कि हाँ यार इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, बाकी फिर इनकम लेकिन बहुत ज़्यादा है, आपको मैंने जैसे बताया था कि आप मिलियंस में कमा सकते हैं यार, करोड़ों तक पहुंच जाता है, लोग 1 साल में ही करोड़ में पहुंच गए। पहले महीने मान लो आपने कुछ 1.5-2 लाख कमाए, बहुत आसान है 1-2 लाख कमाना, 2-4 महीने पचला 5-10 लाख पे पहुंचा, फिर 50 लाख पे पहुंचा, फिर वो 8 महीने में 10 महीने में पचला करोड़ पार कर गया, मंथली इनकम बता रहा हूँ। तो दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, चूज आपको करना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लो है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास चांस ही नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग में जाओ, ई कॉमर्स में जाओ, आप चुपचाप एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपके पास ज़रूर दो चांस है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आप ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप एफिलिएट भी इसका स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंशिएट कैसे करो? सिंपल, रिस्क आप कितना लेने को तैयार हो। अगर आप तैयार हो, हाँ यार मैं पैसा डाल रहा हूँ, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, थोड़ा बहुत खर्च होगा, इट्स ओके, फेल होऊंगा सीखूंगा फिर करूंगा, फेल होऊंगा सीखूंगा फिर करूंगा, लेकिन करूंगा मैं ये ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ही, क्योंकि मुझे करोड़ों कमाने हैं, स्टार्ट करो भाई, उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत पैसा आएगा, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा रिस्क। लेकिन अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो तो भैया थोड़ी सी इनकम, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो, दैट्स इट, बस यही डिफरेंस है दोनों में। अच्छे से सोच लो, पहला अपना बजट कितना है, दूसरा आप रिस्क कितना लेना चाहते हो। ये दो चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आपके सामने जो दो ऑप्शन है वो फिर वो एक ही रह जाएगा, आपके रिस्क और आपके बजट के अकॉर्डिंग, कन्फ्यूज़न अपने आप दूर हो जाएगा। बस यही सिंपल सा एक फंडा है इसका।